अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। काशिफ फ्लाइट की जानिब से इस वीडियो में मैं आपके साथ पिशावर हाई कोर्ट में आज पीएमसी के री एडमिशन केस के हवाले से होने वाली अपडेट शेयर करने जा रहा हूं। कोर्ट की जानिब से क्या डिसीजन दिया गया है, अब इस केस का क्या बनेगा, री एडमिशन हो सकेंगे या पुराने वाले एडमिशन को सस्टेन रखा जाएगा, वो तमाम डिटेल इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। उससे पहले वो तमाम स्टूडेंट जो नेशनल MDCAT 2021 के लिए अपियर होने जा रहे हैं, उनके लिए मेरी जानिब से अनाउंसमेंट है कि हमारा रेगुलर सेशन 7 जून से स्टार्ट होने जा रहा है। इस टेस्ट सेशन में जूम पर आपकी ऑनलाइन क्लासेस होंगी, क्लासेस के साथ साथ LMS सिस्टम पर आपके जो है वो टेस्ट भी कंडक्ट किए जाएंगे और फिर टेस्ट की प्रॉपर डिस्कशन भी होगी। हमने स्क्रीन पर आप हमारे लास्ट ईयर के रिजल्ट चेक कर सकते हैं। इंतहाई मुनासिब फीस में मेडिकल स्टूडेंट के साथ जो है वो आप अपने MDCAT की प्रिपरेशन कर सकते हैं। इस टेस्ट सेशन में प्रिपरेशन के साथ साथ आपको काउंसलिंग भी प्रोवाइड की जाएगी, आपको प्रॉपर गाइड किया जाएगा कि किस तरह आप अपना एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं। टेस्ट सेशन ज्वाइन करने के लिए कॉन्टैक्ट नंबर यहां पर दिया गया, आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके जो है वो रजिस्ट्रेशन लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, वहां से भी आप टेस्ट सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। अब आ जाता हूं मैं पिशावर हाई कोर्ट की जानिब। देखिए, डे टाइम में मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, उसमें लाहौर हाई कोर्ट के हवाले से मैंने आपको अपडेट किया था और साथ में मैंने यही कहा था कि पिशावर हाई कोर्ट में एक्सपेक्टेड है कि जो मेडिकल ट्रिब्यूनल के हवाले से इंस्ट्रक्शन दी गई थी पिशावर हाई कोर्ट की जानिब से कि उसके रूल एंड रेगुलेशन बनाए जाए, वही रूल एंड रेगुलेशन बन जाएंगे और उसके बाद जो है वो केस मेडिकल ट्रिब्यूनल के पास चला जाएगा। और बिल्कुल उसी तरह हुआ है, पिशावर हाई कोर्ट में PMC की जानिब से ये रिपोर्ट पेश की गई है कि जो मेडिकल ट्रिब्यूनल है उसके रूल एंड रेगुलेशन बना लिए गए हैं और इस मेडिकल ट्रिब्यूनल ने बाकायदा जो है वो अपनी फंक्शनिंग स्टार्ट कर दी है। चूंकि इसकी फंक्शनिंग स्टार्ट हो चुकी है तो इसके बाद जो है ये केस मेडिकल ट्रिब्यूनल के पास भेज देना चाहिए, वो अब डिसाइड करेगा कि री एडमिशन होने हैं या पुराने वाले एडमिशन को जो है वो सस्टेन किया जाएगा। अब इस चीज का यहाँ पर दो आउटकम आए हैं। पहला आउटकम तो यहाँ पर ये है कि पिशावर हाई कोर्ट ने जो स्टे ऑर्डर दिया था वो स्टे ऑर्डर उसी तरह मेंटेन है, वो स्टे ऑर्डर खत्म नहीं किया गया कि री एडमिशन उस टाइम तक नहीं हो सकते जब तक ये तमाम मामला सॉर्ट आउट नहीं हो जाता, ये फैसला नहीं हो जाता कि एडमिशन मेरिट पे थे या मेरिट की वायलेशन की गई, जो है वो डोनेशन वगैरह लेकर बच्चों को एडमिशन दिए गए। स्टे ऑर्डर उस टाइम तक जो है वो उसी तरह मेंटेन रहेगा। प्लस पिशावर हाई कोर्ट की जानिब से ये केस मेडिकल ट्रिब्यूनल को शिफ्ट कर दिया गया है। अब इस्लामाबाद में जो है वो PMC में मेडिकल ट्रिब्यूनल जो है वो 3 जून को इस केस की फर्दर हियरिंग करेगा। वहां पर इस चीज का डिसीजन होगा कि जो एडमिशन थे वो मेरिट पर थे या डोनेशन बेस एडमिशन किए गए और इन तमाम मामला का फाइनल डिसीजन देगा। देखिये, यहाँ पर आपने एक चीज नोट करनी है कि जो मेडिकल कॉलेजेस है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस ये केस लेकर चल रहे हैं, उनकी कोशिश है कि ये मामला जितना ज्यादा तवील हो सके उतना ज्यादा बेटर। जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी इन मेडिकल कॉलेज में जो है वो इनरोल है, वो अपनी क्लासेस भी कंटिन्यू किए हुए हैं, उनके मॉड्यूल्स वगैरह भी हो रहे हैं, रेगुलर वे में वो अपनी स्टडी को आगे कंटिन्यू रखे हुए हैं। अगर केस में इसी तरह एक्सटेंशन आती रहती है, मजीद तवील होता रहता है, तो डेफिनेटली बात है जो ऑलरेडी इनरोल स्टूडेंट्स हैं ये केस उनके फेवर में जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक लॉजिकली पॉइंट आ जाता है कि जो बच्चे ऑलरेडी इतनी प्रिपरेशन कर चुके हैं, फी वगैरह पे कर चुके हैं, अभी उन्होंने आगे जाके एग्जाम देने हैं, वो फिर ज्यादा आप कह लें कि स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर चले जाएंगे एज कम्पेयर टू री एडमिशन। तमाम यहाँ पर ये बात माइंड में रखें कि PMC भी अभी तक जो है बजिद है कि हमने वो एडमिशन कैंसिल करके न्यू एडमिशन ही करने, क्योंकि उन एडमिशन में जो थी वो इरेगुलेटरीज थी, मेरिट वगैरह की वायलेशन की गई थी। अब जो अपडेट्स थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। अब पिशावर हाई कोर्ट की जानिब से 3 जून को और आपका जो लाहौर हाई कोर्ट है उसका 9 जून को पता चलेगा कि नेक्स्ट क्या होने जा रहा है, कि जितने भी इफेक्टेड कॉलेजेस हैं उनकी जो PMC ने न्यू मेरिट लिस्ट प्रिपेयर कर रखी है वो न्यू मेरिट लिस्ट डिस्प्ले कर देता है, या फिर जो पहले वाले बच्चे वहां पे स्टडी कर रहे हैं उनसे कहा जाता है कि वो अपनी स्टडी कंटिन्यू रखें। बट डेफिनेटली बात है तमाम केस को हर पहलू से मैंने आपके सामने रख दिया। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर लें, काशिफ फ्लाइट को सब्सक्राइब कर लें। MDCAT की प्रिपरेशन के लिए हमारा रेगुलर सेशन जरूर ज्वाइन करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।